जय हिंद, वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का तीसरा क्लास है, दो क्लास पीछे हो चुका है। अगर वो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये चैप्टर जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगिता परीक्षा में इससे सवाल निश्चित तौर पर रहता है। और इस चैप्टर को जब अच्छे से समझ जाते हैं तभी जाकर के आगे का कोई भी चैप्टर, चाहे वो औसत हो या फिर टाइम एंड डिस्टेंस हो, टाइम एंड वर्क हो, इस तरह से बहुत सारे जो चैप्टर हैं वो सब इस पे ही आधारित होता है, ताकि वहाँ पे कैलकुलेशन करने में हमें कोई कठिनाई नहीं हो। और हाँ, आप जिस तरह से आप हमें सपोर्ट और प्यार करते हैं, इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके और इससे वो ज्ञान प्राप्त कर सके। तो चलिए, बिना समय गंवाए हुए अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले का क्वेश्चन हल किया जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पूर्णांक 3/4 भाग 2 पूर्णांक 2/3 भाग 1 पूर्णांक 1/12 है, ठीक है। और तीनों तीन संख्या है यहाँ पे, और उसके बीच भाग का चिन्ह है। तो सबसे पहले हमें करना है क्या है, इसका पूर्णांक तोड़ लेना है। देखिए, एकदम पूरा कंसेप्ट समझिए। जब कंसेप्ट समझ जाइएगा तो शॉर्ट ट्रिक अपने आप वो तैयार हो जाता है। देखिए, तो 4 × 2 = 8 + 3 = 11 = 11/4 है ना, भाग 3 × 6 = 2 = 8/3 भाग 12 × 1 = 12 + 1 = 13 = 13/12 हो गया, ठीक है। जब कंटिन्यू लगातार भाग का चिन्ह हो तो आपको करना क्या है, ये पहले वाला जो टर्म है उसको वैसे ही लिख लेना है जैसे है वैसे, और इस भाग को गुणा में परिवर्तित करना है और इसको उलट देना है, यानी कि व्युत्क्रम कर लेना है। 8/3 को आपको 3/8 लिख लेना है, उसी तरह इसको भी इस भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल करके लिखना है, और 13/12 को हमें 12/13 लिख लेना है। अब सिंपली क्या करना है, इसे काट लेना है जो कटने वाला होगा। तो देखिए, यहाँ पे 4 × 12 ये कट गया और बाकी का कटने वाला नहीं है, तो सिंपली आपको गुना करके लिख लेना है। तो देखिए, 3 × 3 = 9 और 11 में गुना कर दीजिए तो 99 / 13 = 104, ये आपका राइट आंसर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप ये कितने नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए, अब हम 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 5/8 = 24/15/7 × W, यानी कि यहाँ पे वाट का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप इसे इसके जगह पर अपनी सुविधा के लिए एक्स रख लीजिए, यानी कि एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है आपको। तो सिंपली आपको करना क्या है वो देखिए, 5/8 है ना, और का काम करना होता है। किस चीज का काम करना होता है, का, तो का मतलब गुना ही होता है, तो ये कटेगा ही, 8 × 24 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3/15, ठीक है, बराबर 15/7 × x, यही है। अब यहाँ पे देखिए, 15 से 15 आप काट देंगे तो एक बार कटेगा, तो इधर कुछ नहीं बचा, यानी कि एक बच गया, इधर एक बचा और इधर 1/7 है ना। तो आप सिंपली आप बाई क्रॉस कीजिएगा 7 से 1 में, तो आपको 7 = x, यानी कहने का मतलब x = 7 हो गया, यानी कि यहाँ पे जो वाट था उस वाट का वैल्यू c बना गया, ठीक है। तो आप ऑप्शन देख करके बताइए कमेंट में कि यह 7 किस ऑप्शन में है, ठीक है, क्लियर, ये समझ में आ गया। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो देखने में भले ही डिफिकल्ट लगे लेकिन इसको आप बिल्कुल ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे इसे हल किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ब्रैकेट के अंदर पूर्णांक है उसको पूर्णांक तोड़ लेना है। तो देखिए, 9 × 9 = 11 / 11/9 / 5 × 5 = 7 / 5 का 5/21 इतना आपको लिख लेना है सिंपली, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन देना है और 1/3 लिख लेना है। उसके बाद पहले क्या करना है, इसमें भाग और का है तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आपको का काम करना है, तो 5 से 5 कैंसिल होगा, क्यों, क्योंकि का काम गुना जैसा होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 7 × 21 मतलब 5 से 5 एक बार में, 7 से 21 तीन बार में कट गया। अब जो है सो यहाँ पे बचा क्या आपका, तो 11/9 बच गया और इधर आपका ऊपर में कुछ नहीं है तो नीचे में 3, तो इतना को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 1/3 हो जाएगा।
तो हमने आपको क्या बताया था, भाग को गुना बदल लेना है और ये एक बटा तीन है, इसको उल्टेंगे तो तीन बटा एक लिख सकते हैं या केवल तीन। तो मैं तीन बटा एक ही लिखता हूं आपको समझने के लिए, आप केवल तीन भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर इधर प्लस एक बटा तीन रख लेना है और बराबर। अब यहाँ पे तीन तीन नौ ये कैंसिल हो जाएगा तो इधर आपका बचेगा कितना, ग्यारह बटा तीन जोड़ एक बटा तीन। अब सिंपली जब हर बराबर होता है तो आपका एलसीएम जो होता है वो तीन ही हो जाता है और अंश और अंश को जोड़ के डायरेक्ट लिख सकते हैं। जब आपका हर बराबर हो तो ऊपर का अंश को जोड़िए और नीचे जो हर है उसको कॉमन करके, यानी एलसीएम थ्री है तो थ्री लिख देना है, तो ग्यारह एक बारह हो जाएगा और ये चार या बारह कैंसिल तो आपका आंसर चार आ जाएगा। आप हमें बताइए कि चार किस ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पांच बटा छह भाग छह बटे सात गुना वाट। तो यहाँ पे वाट का वैल्यू ज्ञात करना है तो हम इसके जगह पर एक्स लिख लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस आठ बटे नौ भाग एक पूर्णांक तीन बटे पांच जोड़ तीन बटा चार गुना तीन पूर्णांक एक बटा तीन बराबर दो पूर्णांक सात बटा नौ। सवाल भले ही थोड़ा सा लंबा लग रहा है लेकिन बिल्कुल आसान तरीके से इसको हल करेंगे और पूरा समझ में आएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको कौन सी काम करना होगा, देखिए यहाँ पे भाग है, गुना है, माइनस है ना, जोड़ का भी चिन्ह है, तो सबसे पहले आपको इसमें भाग का क्रिया करना है। तो देखिए यहाँ पे पांच बटा छ और ये जो भाग है इसको गुना बदलना है तो छ बटे सात है, इसको व्युत्क्रम कर देंगे यानी कि उलट देंगे तो सात बटा छ हो जाएगा। फिर गुना एक्स माइनस नौ सॉरी माइनस आठ बटा नौ इसको लिखना है और इसको गुना का चिन्ह दे देना है। इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, पांच एकम पांच और तीन आठ, आठ बटे पांच इसको जब उलट देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, पांच बटे आठ। देखिए पांच एकम पांच और तीन आठ, आठ बटे पांच उलटेंगे तो पांच ऊपर चला जाएगा आठ नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह प्लस तीन बटे चार गुना इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, तीन के नौ एक दस बटा तीन ही रहेगा, इसको उलटना नहीं है क्योंकि यहाँ पर भाग का चिन्ह नहीं था, पहले से ही गुना है। और इधर पूर्णांक तोड़ करके लिख लेना है तो नौ दुना अठारह, अठारह सात पच्चीस बटा नौ। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए अब आपको करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे कटने वाला नहीं है तो सात पैंतीस बटे छत्तीस एक्स, एक्स ऊपर ही रहेगा, पैंतीस एक्स बटे छत्तीस हो गया। माइनस यहाँ पे आठ से आठ कैंसिल हो जाएगा तो पांच बटा नौ जोड़ यहाँ पे चार, दो दूना चार पांच दूना दस, ये पांच बार कटेगा। ठीक है, और तीन से तीन भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आपका बचेगा क्या, पांच बटा दो और राइट साइड में आपका पच्चीस बटा नौ है। अब आपको सिंपली करना क्या है, पैंतीस बटा पैंतीस एक्स बटा छत्तीस बराबर पच्चीस बटा नौ, ये उस साइड जाएगा तो प्लस पांच बटा नौ और माइनस पांच बटा दो, इस तरह से आपको लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पैंतीस एक्स बटा छत्तीस बराबर इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका अठारह, तो नौ दुना अठारह पच्चीस दुना पचास प्लस नौ दुना अठारह पांच दुना दस माइनस दो नौ अठारह तो नौ पचे पैंतालीस। अब आपको देखिए क्या करना है, पैंतीस एक्स बटा छत्तीस बराबर यहाँ पे पचास और दस कितना हो जाएगा साठ, और साठ में से पैंतालीस को घटा दीजिएगा तो आपका बच जाएगा कितना पंद्रह, कितना बचेगा पंद्रह। ठीक है, तो पंद्रह बटे अठारह हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे से नीचे को काट सकते हैं और ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, जब इस तरह से हो तो अंश को अंश से हर को काट सकते हैं बराबर के, जब एक दूसरे साइड हो तब। ठीक है, तो यहाँ पे अठारह दूना छत्तीस कट जाएगा और पाँच से ये कट जाएगा, पाँच दिया पंद्रह पाँच सते पैंतीस। तो अब आपको सिंपली बाय क्रॉस करके लिख लेना है, तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो वन हो सकता है, तो वन से सेवन में गुना करेंगे तो सेवन एक्स बराबर दो से तीन में गुना करेंगे तो छः, इस तरह से एक्स का वैल्यू जो हमारा आएगा छः बटा सात, ये आपका राइट आंसर हो गया। आप हमें ऑप्शन देख के बताइए जो ये कितने नंबर ऑप्शन में छः बटा सात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या है कि 9 माइनस एक पूर्णांक दो बटे नौ का तीन पूर्णांक तीन बटे ग्यारह
भाग पांच पूर्णांक एक बटे सात का सात बटा नौ, इसे हल करना है। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे हल कीजिएगा, एकदम बिल्कुल आसान है। क्या करना है आपको, नाइन का नाइन लिखना है और सबसे पहले पूर्णांक तोड़ लेना है। यहाँ पे माइनस नौ दूना नौ एकम नौ दो ग्यारह, ग्यारह बटे नौ का, ठीक है, ग्यारह तैंतीस और तैंतीस तीन छत्तीस बटा ग्यारह भाग पाँच सत पैंतीस एक छत्तीस बटा सात का सात बटे नौ। तो हमने भी बोर्ड मास जब पढ़ाया था तो उस दिन हमने क्या बताया था कि सबसे पहले किसका काम करना है, का यानी कि यहाँ पे है आपका माइनस का चिन्ह है, का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, फिर का। तो सबसे पहले आपको का काम कर लेना है, और का काम कैसे होता है, गुना जैसा। तो देखिए ना यहाँ पे सात से सात कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ग्यारह से ग्यारह कैंसिल, नौ चौका छत्तीस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी नौ चौका छत्तीस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, पहले का हमने काम कर लिया। अब देखिए सिंपली करना क्या है, यहाँ पे नाइन लिखना है माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म कितना आपका बचा, ये वाला देखिए यहाँ ग्यारह से ग्यारह कैंसिल, नौ चौका छत्तीस यानी कि चार है, तो चार लिख लेना है, फिर भाग देना है, और यहाँ ये देखिए ये कटने के बाद आपका कितना आ गया है, तो यह भी आपका आ गया है चार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चार से चार में भाग दिया यानी घटाओ और भाग है, तो पहले भाग का क्रिया कीजिएगा, तो ये नौ होगा, अब माइनस चार से चार में भाग दीजिएगा तो एक बार कट जाएगा, तो घट के आपका कितना आंसर हो गया, आठ आंसर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई होप कि ये आप अच्छे से समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।